वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर गाइस। तो मैं बहुत टाइम बाद ऐसे सिटिंग वीडियो बना रही हूँ, मैं वैसे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैं बहुत मुश्किल से कंफर्टेबल फील हुई थी, फिर मुझे वापस अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो आज करने वाले हैं क्यू एंड ए वीडियो। तो गाइस मेरे चैनल को एक साल कंप्लीट हो गया है। वैसे वो 9th of April को हो गया था, लेकिन मैं भूल ही गई कि आज 9th of April है और आज मेरे चैनल को एक साल कंप्लीट हो गया। और उससे पहले मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी आस्क मी एनीथिंग करके, और एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। तो मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला, मैं टू बी ऑनेस्ट। तो लेकिन जो भी मेरे पास 14 to 15 क्वेश्चन आए हैं, मैं नहीं चाहती कि वो लोग डिसअपॉइंट हो कि उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, तो मैं उन सबके क्वेश्चन का आंसर आज देने वाली हूँ। बताते हैं फटाफट, क्वेश्चन शुरू करते हैं। और यदि आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आपको मैं पसंद हूँ, मेरा ये फेस पसंद है, मेरा ये चैनल पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलते स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी इस डायरी में लिख रही है, तो अभी एक एक करके मैं बोलती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव, ये पूछा है सुरेख दत्तरानिया। आई एम सॉरी यदि मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ। तो वेयर डू यू लिव उन्होंने पूछा है। तो मैं रहती हूँ अलवर, राजस्थान, मतलब राजस्थान में एक सिटी है अलवर, मैं वहाँ रहती हूँ। बहुत ही अच्छी सिटी है, यदि आप लोग राजस्थान के आसपास रहते हैं, मतलब राजस्थान में ही कहीं रहते हैं, तो ज़रूर आइए एक बार विजिट करने, आपको बहुत पसंद आएगी। क्वेश्चन है, हु क्लिक योर पिक, तो ये भी क्वेश्चन इन्होंने ही पूछा है। तो वैसे सेल्फ पोर्ट्रेट यदि कुछ होता है तो मैं वो खुद से क्लिक करती हूँ, लेकिन यदि मैं कहीं घूमने जाती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, तो या तो मेरा छोटा वाला भाई या फिर मेरी जो बहन है वो मेरी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, डू यू यूज़ ट्राईपोड, तो हाँ मैं ट्राईपोड यूज़ करती हूँ, सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए भी ट्राईपोड यूज़ करती हूँ, लेकिन विदाउट यूजिंग ट्राईपोड भी मैंने मेरे चैनल पे काफ़ी सारे सेल्फ पोर्ट्रेट के वीडियोस बनाए हुए हैं, यदि आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखना। टिंग 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 उनके लिंक ऊपर आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनमें आप विदाउट यूजिंग ट्राईपोड भी पिक्चर क्लिक कर सकते हो। आई थिंक मैं क्वेश्चन से भटक गई हूँ। तो चलते हैं अगले। तो अगला क्वेश्चन है, आर यू गेटिंग मैरिड, सॉरी वो डू यू या यूज़ ट्राईपोड मुझसे पूछा था ऋतिका तुली ने, और उसी ने ही मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, आर यू गेटिंग मैरिड। तो गाइस इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। बात है 1st of April की। 1st of April को क्या हुआ था, मुझे ऐसे ही अप्रूवल फूल बनाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैंने ऐसे एक स्टोरी लगा दी। मैं स्टोरी आपको दिखा दूँगी यहाँ पर, तो मैंने ये स्टोरी लगा दी, लेकिन जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोगों को तो पता था कि मेरी शादीवादी नहीं होने वाली है। तो लेकिन जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, यूट्यूब के थ्रू जानते हैं या फिर वैसे दूर से जानते हैं, तो वो लोग सबको अप्रैल फूल बन गया था। मेरे पास बहुत सारे रिस्पॉन्स आए थे कि आप थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू लाइफ और बहुत कुछ, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो शाम को मैं सबको ये बताने वाली थी कि इट वॉज़ अप्रैल फूल, लेकिन मैं वो बताना भूल गई। तो अभी भी कई लोग कन्फ्यूज़न में है कि मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज, अभी तो मैं कोई शादी नहीं कर रही हूँ, जब भी करूँगी तो अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शूटिंग इक्विपमेंट्स, तो ये मुझसे पूछा है खुशी सोहेल 09। तो ये क्या है, शूटिंग इक्विपमेंट्स में आप लोग, आई हैव 1 फ़ोन, मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ शूटिंग के लिए, और मेरे पास एक ट्राईपॉड है, मैं वो यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं है, नो माइक, नो रिंग लाइट, सनलाइट ही मेरी रिंग लाइट है और मेरी आवाज़ ही मेरी माइक है, तो मैं कोई शूटिंग इक्विपमेंट यूज़ नहीं करती हूँ। डिड यू कम्प्लीट योर ग्रेजुएशन, यस मैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट कर चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने M.Com किया है और वो मैं 2018 तो भूल गई हूँ यार, 2017 में ही मैं अपना M.Com कंप्लीट कर चुकी हूँ गाइस, और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मतलब जॉब कर रही हूँ, वैसे मैं पढ़ाई में कुछ नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है गाइस। एक्चुअली ना मैं बहुत टाइम से, मतलब 2-3 सालों से अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती थी, लेकिन एक्चुअली
ये एक्सक्यूज़ लगेगा लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं पिछले 7 से 8 सालों से जॉब कर रही हूँ, तो मेरा जो जॉब का शेड्यूल है वो बिल्कुल सेट था। मॉर्निंग में 8, 8:30, 9 बजे जाना, शाम को 6:30, 6 बजे आना, एक संडे का लीव मिलना, और संडे में भी एक्स्ट्रा कई काम हो जाते हैं, तो मुझे ना बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब शूटिंग वूटिंग का। लेकिन सॉरी, उन्होंने पूछा वाई, वाई का तो ऐसा है कि मैं जब बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, लोगों को कुछ करते हुए देखती हूँ, उनकी पहचान उनको खुद बनाते हुए देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो बस मैं चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता मेरा चैनल कितना ग्रो करेगा, कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन बस मुझे इतना पता था कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, मैं करना चाहती हूँ कुछ। यदि मुझ में कुछ भी टैलेंट है, थोड़ा बहुत भी है, 1%, 2%, तो मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ, मैं मतलब करना चाहती हूँ, दैट्स वाई। और फिर लॉकडाउन जब आया तो मुझे बहुत सारा टाइम मिल गया, तो मैंने बस ऐसे ही रेंडमली इसे स्टार्ट कर दिया, और आप लोगों का बहुत प्यार मिला। तो क्वेश्चन है योर यूट्यूब इनकम, सो मैगमा बॉय ने मुझसे पूछा योर यूट्यूब इनकम, और सेकेंड क्वेश्चन सेम ही है, डिड यू गेट मनी फ्रॉम यूट्यूब। तो डिड यू गेट मनी में तो नो, अभी मुझे यूट्यूब से कोई मनी नहीं मिली है। मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन एक अमाउंट होता है, फिक्स अमाउंट जो आपका कलेक्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको यूट्यूब से इनकम आना स्टार्ट होती है। तो अभी मेरा वो अमाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे अभी तक जीरो अंडा मिला है, तो योर यूट्यूब इनकम अभी तक जीरो है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपकी शादी किसके साथ और कब होने वाली है? तो इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ, मेरी शादी नहीं होने वाली है, कभी होगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी ज़रूर। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, दी आप कितनी स्वीट हो, आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर भेजें एंड जल्दी आपके 1 मिलियन हो जाए। थैंक यू सो मच, आपका इतना प्यार मुझे मिलेगा, और 1 मिलियन तो मेरे बहुत ज़्यादा ख्वाबों में, मतलब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन एक्सेप्ट यूट्यूब? तो मेरा यूट्यूब के अलावा कोई प्रोफेशन वैसे तो नहीं बना सकती, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में हूँ, गवर्नमेंट बैंक में नहीं हूँ, प्राइवेट बैंक में हूँ, NBFC में हूँ, तो वहाँ पर मैं जॉब करती हूँ, सिंपली ऑपरेशन वर्क है प्लस। तो ऐसे मुझे बैंकिंग सेक्टर में आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं आगे भी बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में मूव ऑन करना चाहती हूँ। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एप्स आई यूज फॉर एडिटिंग? तो गाइज ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आया, मतलब मैं जब भी मेरे कमेंट सेक्शन उठाती हूँ तो मुझे इस क्वेश्चन हमेशा मिलता है कि विच ऐप आई यूज़ फॉर एडिटिंग। तो गाइज मैं एडिटिंग के लिए जो ऐप यूज़ करती हूँ वो करती हूँ Lightroom, फोटो एडिटिंग के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ वो करती हूँ Lightroom, PicsArt, Visco मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, यदि कोई बहुत ज़्यादा मोटेड सेल्फ पोर्ट्रेट है इसलिए मैं Visco यूज़ करती हूँ, और स्नैपसीड, मैं ये 4 फोटो एडिटिंग ऐप यूज़ करती हूँ। और वीडियो एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ VN, Vita, InShot। पहले मैं काइनमास्टर यूज़ करती थी, मैंने जब अपना चैनल शुरू किया था तो मैं काइनमास्टर से वीडियो एडिट करती थी, लेकिन राइट नाउ आई एम यूजिंग InShot, Vita और VN। तो नेक्स्ट, आपके बाल स्ट्रेट हैं, आप स्ट्रेट करते हो? मेरे बाल स्ट्रेट नहीं है, मेरे बाल वेवी हैं, लेकिन मैंने 1.5 साल पहले अपने बालों में केराटिन करवाया था, तो उसका असर मेरे बालों से बहुत टाइम बाद गया था, मतलब 1 साल बाद गया था। तो जब मैं वीडियोस बनाना शुरू करती थी तो मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट लगते थे, क्योंकि वो उसी का इफेक्ट था केराटिन का, लेकिन अभी धीरे धीरे वापस ही अपने रियल टेक्स्चर की तरफ जा रहे हैं, जो कि है वेवी, यू कैन सी। और मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेटनर कर लेती हूँ तो ये परफेक्ट स्ट्रेट लगता है। मैंने कहानी की तरह अपना सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, कैसे कहानी सुनाती गई, इसे पोइट में कविता सुनाती गई, इस तरीके से मैंने सारे आंसर दे दिए। तो गाइज ये दिस इज़ माय फर्स्ट Q&A वीडियो, तो मुझे नहीं पता किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने हैं, किस तरीके से आंसर देने हैं, बट मुझे जो समझ में आया, मुझे बिल्कुल जो फर्स्ट जो मेरे मुँह पे था, मतलब जो सच था एग्जैक्ट, मैंने वो बोल दिया है। तो ये हो चुका है मेरा वीडियो ख़त्म, सही बन गया ना, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन और टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आई नीड योर सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।